ये भी इतना मौका है, इतना मौका है, पढ़ लो, नहीं तो आने वाले जो 4-5 महीने है या 5-7 साल उसके पास फिर किमें कौन रहोगा, बुग्गी के ऊपर बैठेगा, बैठ के गाने गाओगा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं क्या यही प्यार है, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं क्या यही प्यार है। एक बूढ़ा सुना था, बोलिया बेटा प्यार को नहीं, कमजोरी है, इसका इलाज करवा ले और कुछ नहीं रह जाओगा। अंगरी के अंदर एक शख्स का जन्म होता है 1910 के अंदर, और वो लड़का धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने का काम करता है, जब वो लड़का आगे बढ़ता है, बंदूक चलाना सीख लेता हो, जैसे भगत सिंह के चाचा से एक बार भगत सिंह के चाचा ने भगत सिंह से पूछा था कि भगत सिंह आप खेत के अंदर क्या उगा रहे हो, तब उन्होंने कहा था कि मैं बंदूक इस खेत के अंदर उगा रहा हूं। उस बंदूक के ऊपर राइट हैंड से इतना गजब का निशाना करौली नाम का वो लड़का करता था, सुना किसी ने करौली नाम, सुना करौली नाम का वो लड़का बंदूक से निशाना लगाने का काम करता और इतना गजब का निशानेबाज है कि लगभग 24-25 साल की उम्र तक पूरे के पूरे हंगरी के अंदर उसके बराबर का कोई भी निशानेबाज नहीं है। नीति और मेहनत को आप सुनिए, समझिए, उसके बराबर का कोई भी निशानेबाज पूरे हंगरी के अंदर नहीं है। धीरे धीरे करके जब वो जिंदगी उसकी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए वो बंदा हंगरी की आर्मी के अंदर भर्ती हो जाता है एक हवलदार के पद के ऊपर, और वहां भी उस बंदे ने खेलना जारी रखा, संघर्ष करना जारी रखा। वो बंदा खेलते खेलते आर्मी के अंदर भी एक नंबर का शूटर बन जाता है। अब जितने भी हंगरी के अंदर राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है शूटिंग की, उसके अंदर वो बंदा गोल्ड लाने का काम करता है, पहले नंबर के ऊपर आने का काम करता है हंगरी में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, सारे के सारे प्रतियोगिताओं के अंदर। 1936 के अंदर जब ओलंपिक खेल होने थे तो 1936 के ओलंपिक खेलों में हंगरी को यह लगा था कि अब की बार करौली जाएगा और वास्तव में शूटिंग के अंदर हंगरी को गोल्ड दिलाने का काम करेगा, करौली गोल्ड दिलाएगा हंगरी को। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है कि जो जर्मनी की सेना जो थी उसकी तरफ से ऐलान कर दिया गया कि ऑफिसर रैंक से नीचे का कोई भी व्यक्ति ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता। तो 1936 के ओलंपिक के अंदर उस बंदे का सपना टूट जाता है, उसके बाद ओलंपिक में जाने का सपना टूट गया। उसके बाद वो बंदा दिन रात लगातार राइट हैंड से मेहनत करता है, गोलियां चलाने का काम करता, गजब की मेहनत करता है, और जितने भी आसपास की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है उन सबको जीतने का काम करता है। उन्हीं दिनों ये नियम चेंज कर दिया गया जर्मनी की सेना की तरफ से कि हवलदार नहीं, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा प्रदर्शन करता है ओलंपिक के अंदर खेल सकता है। अब उस हवलदार के मन में उम्मीदें जगती है, लेकिन जिंदगी में एक ऐसी घटना हो जाती है। बात है 1938 की, 1936 के ओलंपिक में उसको भाग नहीं लेने दिया गया। 1938 के अंदर वो एक दिन आर्मी के अंदर हैंड ग्रेनेड जो गोला होता है हाथ से फेंकने वाला, जब उसको फेंक रहा था राइट हैंड से, तो वो गोला हाथ के अंदर ही फट जाता है। और परमात्मा की नीति किस्मत ऐसी देखिए, पूरा का पूरा राइट हैंड जो था उसके हाथ उसके शरीर से पूरा का पूरा अलग हो जाता है। पूरा हंगरी मायूस हो जाता है कि अब तो करौली के पास एक मौका था कि 1936 के अंदर यदि इसको भाग लेने का मौका दिया जाता ओलंपिक में तो बंदा गोल्ड लेके आता। हर कोई मायूस है हंगरी के अंदर कि अब कुछ नहीं हो सकता, पूरा का पूरा ये बाजू चली गई। लेकिन एक शख्स मायूस नहीं था, वो शख्स था करौली। बिना किसी को बताए लगातार 11 महीने तक लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करने का काम करता है, गोलियां दागने का काम करता है। अगर कोई राइट हैंड है इस हाथ तक काम करके देखिए, दर्द होगा, तकलीफ आओगी, लेकिन जिसने मंजिल को चुना हो दर्द तकलीफ इन चीजों को कभी नहीं देखता। उस बंदे ने क्या किया, लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे लगातार 11 महीने हो गए। हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर 11 महीने बाद एक नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन होता है। अब वो नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता का जब आयोजन होता है तो उस प्रतियोगिता के अंदर जब वो स्टेडियम के अंदर गया तो उसके जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे, मतलब जिसको करौली ने पहले प्रतियोगिता में हरावड़ा है, वो बंदे आ गए। वो देख के हंसी करने लगे, बोले तो ताड़ी तुड़ी बजाना आया होगा भाई, मारे हौसला अफजाई करना आया होगा। उरे बोले हौसला अफजाई करने को नहीं खेलना आया हूं। और लेफ्ट हैंड से उस बंदे ने जर्मनी के हंगरी की उस चैंपियनशिप के अंदर नेशनल चैंपियनशिप नंबर 1 के ऊपर रहा था गोल्ड मेडल जीतने का। 1940 के अंदर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं। 1940 के अंदर अब तो पूरे देश को मुंह लगने लग गया, बचल राइट हैंड तो इसका कट गया, लेफ्ट हैंड तो ये बंदा देश ने गोल्ड जरूर दिवाऊगा 1940 के ओलंपिक खेलों के अंदर। अब नीति देखिए, 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है।
और जो 1940 के ओलंपिक खेल थे वो विश्व युद्ध के कारण 1940 के ओलंपिक गेम कैंसिल करने पड़ गए थे, रद्द कर दिए गए। अब जरा सोच के देखिए, वो शख्स 1936 से ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल का सपना संजोए हुए बैठा है, 36 में उसको भाग नहीं लेने दिया गया, 38 के अंदर उसकी बाजू कट जाती है, 40 के अंदर ओलंपिक खेल रद्द हो जाते हैं। जैसे आज बार बार सीटी जो उसकी डेट आगे जा रहा है, उसे घटना क्यों होगा। अब ठीक 4 साल बाद 1944 के ओलंपिक खेल आते हैं, और 1944 के दौरान भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उस कारण दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1944 के ओलंपिक खेल भी रद्द करने पड़ गए थे। 1936 का सपना 1944 तक पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे करौली की उम्र भी जवाब देती जा रही थी, क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही थी, और जब उम्र बढ़ती तो आपको पता है बुद्धि सारी चीजें काम करनी छोड़ जाती है। और जब 1944 के ओलंपिक खेलों के अंदर हंगरी की तरफ से भाग लेने के लिए 38 साल के करौली जब वहां पहुंचते हैं, तो पहले ही झटके के अंदर अपने हंगरी को 38 साल की उम्र में शूटिंग में गोल्ड मेडल ओलंपिक में दिलाने का काम करते हैं। अब जरा एक बार आप अपने ऊपर लागू करके देख लीजिए, क्या आप किसी के पास ऐसी दिक्कत है कि आपका किसी का पूरा हाथ कटा हुआ या कोई भी अंग कटा हुआ, किसी के साथ दिक्कत है? नहीं है। उसके बावजूद क्या आपकी परिस्थितियां उस शख्स जैसी हैं? नहीं है। उसके बावजूद भी आप लोग तैयारी नहीं करते, जो बच्चा मेहनत नहीं करता उसके बावजूद भी जब इतनी विकट परिस्थितियों में करौली जैसा बंदा ओलंपिक के अंदर गोल्ड दिला सकता है, सीटी तो ओलंपिक जितना कठिन नहीं है। जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं ना, घर की दलील से जब आप बाहर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले आपकी मां खुश होती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ने के लिए गया है, निश्चित रूप से उस सफल होकर लौटेगा। मां ने गुण मेरा बस स्टैंड पर किसी छोरे के लगा लगा अंडा घर तक छोड़ गया उसने, वह तो नुए सोचा है कि सफल होकर लौटेगा। है सच्चाई? अगर आप दिल लगा के मेहनत करोगे, सबसे बड़ी चीज है कैया का समस्या यार हो याद को नंदी, याद हो जाएगी। किसी चोरी का फोन नंबर बता दे भी याद कर लेगा, 10 साल को नंबर पर्सन याद को नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या अगर किसी बंदा का याद नहीं होता तो लिखना शुरू कर दो, जिंदगी में वो बंदा कभी भी हार नहीं मान सकता जो लिखना शुरू करेगा, यह सच्चाई है। आप अपने खुद के अपने हाथ से नोट्स तैयार करना शुरू करिए। जो बंदा खुद के नोट्स तैयार करेगा, जिस दिन आपके नोट्स किसी ने कोई बंदा आपके नोट्स मांग के पढ़ने लग गया, इसका मतलब आप सफलता की पहली सीढ़ी के ऊपर हैं। आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए और वो कोई भी बंदा मांग के पढ़े कि तेरे नोट्स बढ़िया है मने दे दे, इसका मतलब आप सफलता के ऊपर सवार हो चुके हैं, सफल नहीं हुए। कदे कमेंट कर लो, हाँ मेरे तो नोट्स पढ़ने लगे, समझो मेरी बात। आप प्रथम विश्व युद्ध सुने होगा आपने, एक सैनिक हुआ करता था, शायद इंग्लैंड का था, उस सैनिक की याददाश्त चली जाती, लेकिन उससे पहले उस सैनिक की एक प्रेमिका हुआ करती थी, अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था वो सैनिक, और उस प्यार के अंदर वो अपनी प्रेमिका को लव लेटर लिखा करता था, पत्र लिखा करता था। अब जरा सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, जब वो सैनिक अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा करता था, उस समय उसके हाथ में कलम हुआ करती थी, एक कॉपी हुआ करती थी, और एक उसकी प्रेमिका, और एक वो, सिर्फ चार चीजें हुआ करती थी, पांचवी चीज उसके कमरे में नहीं हुआ करती। इतने दिल से वो अपनी प्रेमिका को पत्र लिखा करता था, और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, गोली लग जाती है, और गोली लगने से उसकी याददाश्त चली जाती है, बिल्कुल तरह से डैमेज हो जाती है उसकी याददाश्त, वो भूल जाता मैं कौन हूं कहां से आया। भारत जैसी कोनी अपने देश में तो आपको पता है सरकारों का उदासीन रवैया रहा है, कितने सारे सैनिक जो है शहीद होने के बाद में उनके परिवार लटकते रह जाओ है, पेंशन खातर बहुत सारी सुविधाएं अपना बेरा है, ये तो वीरों की धरती है महेंद्रगढ़, तो वहां की सरकारें अपने सैनिकों का नागरिकों का बहुत गजब का ख्याल रखती है। तब वहां की सरकार ने देखा कि कैसे तैसे करके इस बंदे की याददाश्त तो वापिस लानी पड़ेगी। तब क्या किया गया, उसके जब बैकग्राउंड को खंगाला गया तो ये देखा गया कि ये बंदा एक इसकी प्रेमिका हुआ करती थी, उससे बेहद प्यार किया करता था, उसके पत्रों को ढूंढा गया, और जब उस पत्रों को लाया गया, एक एक करके हर रोज उसको पत्र पढ़ के सुनाए जाने लगे जो उसने अपनी प्रेमिका को तनमता के साथ लिखे थे,
वो जब जैसे जैसे पत्थर पड़ के सुनाते गए, धीरे 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 करके उसकी यादाश्त वापस आती गई। जरा सोच के देखिए अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता था। आप भी अपनी प्रेमिका से उतना ही प्यार करिए। आपकी प्रेमिका आपकी जॉब है, मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे आप? आपकी नौकरी आपकी प्रेमिका, आप उससे प्यार करिए। और यदि दिल से आप कमरे में सिर्फ आपकी कॉपी किताब और आप होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आपको जॉब लेने से रोक दे। मैं गारंटी दावे के साथ आप चैलेंज कर दीजिए। लेकिन करना पड़ेगा। आप लोग इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट के अंदर आज आए हैं, मंजीत सर है, पूरी की पूरी अकेडमी गजब के सारे टीचर, नहीं तो आजकल इतना बेखड़ खाना हो रहा है टीचिंग के मामले में, खासतौर पर ऑनलाइन देखो तो मतलब व्यू बढ़ाने के चक्कर में मैडम बुला के उड़ तक चैन खुलवाए दिया थोड़ी, इतना बूंदा काम हो रहा है। मैं अपना लाभ सिंह सर जानो, लाभ सिंह सर ने, मैं लाभ सिंह सर ने, मैं सर जी देखो नूनू काम करने लग रहे हैं, आप भी कि मैं करो नू बोलिया भाई मास्टर बदल लो, मेरे बस की बात नहीं है। यानी इस तरह के कुषड्यंत्र एजुकेशन के मामले में किए जा रहे हैं, लेकिन आप इतने बड़े पलक इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोग आए हैं। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे के जाता हूं, अगर किसी भी बच्चे के पास में फीस में बच्चा कोई कमजोर है, यदि वित्तीय रूप से आपके पास में पैसे नहीं है, तो पलक इंस्टीट्यूट आपको भगाएगा नहीं कि आप भागिए फीस लेके आइए। देखो खर्चे इनके भी हो, इतने बड़े बड़े बोला सारी चीजें हैं, 90-500-61-500 मेरा नंबर है। फीस के कारण किसी भी बालक ने बचाओ तो मेरे द्वारा फोन कर लिया, दोबारा इस अकेडमी में पैर बंद रहूंगा। इससे बड़ी सिक्योरिटी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, समझ रहे मेरी बात को? इससे बड़ी सिक्योरिटी कुछ नहीं दे सकता मैं आपको। दिल लगा के रूटीन के अंदर मेहनत करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट 5-7 चीजें मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम देने का काम करूंगा। सबसे पहली चीज, एक तो हरियाणा जी के है, मेन चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हरियाणा जी के है, सारे करते हो गए, मैंने मेरा कोई बड़ी चीज ठीक है। कोई भी किताब ले आओ, किताब सारी बराबर का दिन सोचो आज वो आएगी कोई दम नहीं। एक कोई भी किताब ले आओ अच्छी सी, उस किताब में आप अच्छे तरीके से पढ़ लो ठीक है, हरियाणा जी के हो जाओगी। करंट अफेयर खातर जो है YouTube के ऊपर बहुत सारे माध्यम है, जरूरी को नहीं मेरी वीडियो देखनी, किसी की वीडियो देख लो करंट अफेयर और तक और हो जाओगे, नहीं तो कोई मैगजीन लेके कर लो। हरियाणा करंट अफेयर दो चीज कवर हो जाओगे बड़ी आसानी से हो जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है जो खास तौर पर साइंस है या फिर GS का पोर्शन जो है, एक काम करिए आपके आसपास कोई भी सरकारी विद्यालय होगा, सरकारी स्कूल होगा, वहां जाइए, वहां पर 6ठी से 8ठवीं तक की आपको NCERT की किताबें फ्री में मिल जाएंगी। आप किसी वहां से दोस्ती करिए, किसी टीचर से या कैसे भी करिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी मिलती है। अब जे देखो NCERT देसी की, सबके बस की बात को नहीं, वहां देसी की आज चाउमीन बर्गर तो किसी ने खुआ ले सारे खा लेंगे, देसी घी पैन लाग जब पिया जाओगे, वो घी है वो जो घी पीजेगा और पचाएगा ना, उस तो बार पेपर को नहीं गारंटी। उसके अंदर जब पूरी नहीं पढ़ी जाओ है तो उसमें आप देखियो NCERT में कोलम से बने हो, अगर आपने देखे हो तो देखे हैं क्या, आप जानते हैं इस तरह की चीजें हो, कम से कम उन्होंने के नोट्स देखो पूरी पढ़ सको तो उस जैसी बेस्ट चीज कोई भी है नहीं। कम से कम रजमा मैडम का नहीं देखे, मेरे का नहीं देख लेना है, कह रहे हूं काका है मेरे रजमा सर में गुंदे रखे नू सीध ले रहा चुकर था, मैं भी बोलने लग रहा हूं ना क्या हूं करा। उस NCERT दबार आप एक काम करके देखिए, पिछले प्रीवियस पेपर आप उठा के देखिए, मेरा क्या है मेहनत कुन करते हुए तीर मारे जाओ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। पिछले आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, NCERT से बाहर आपको 99% कुछ भी नहीं मिलेगा। एक रामबाण औषधि है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए NCERT। अपने खुद के उसके नोट्स बनाने शुरू करिए, कॉपी रजिस्टर लेके आइए, खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ने का काम करिए। हर सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी में अलग अलग नोट्स बनाइए और NCERT को आप रिविजन करके जब आगे जाओगे, उसके बाद जब आपकी तैयारी हो जाती है तो अगला कदम आपका है, आपने करना क्या है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। किसी भी आप कोई भी बुक स्टोर पे जाओगे 100 प्रैक्टिस सेट की किताब मिल जाओगी, किसी के ले आओ ठीक है।
वो लिया के अपना स्कोर लगा उसके अंदर, स्कोर देखो कितना हो भाई, 100 में तो 40 बना है, 70 बना है, 80 बना है, कितने बना है, घबराना नहीं है, कदे घबरा जाओ। वो स्कोर देख के उसके बाद आपने नो मेरा लग जाओगा कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम नंबर बनाया करे, समझो मेरी बात ना। वो जितने जड़ तक कम नंबर बना उसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने का काम करो। बार बार जो बंदा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, हाँ एग्जाम में बैठने से पहले आपको हरियाणा का इतिहास बताता हूँ, लगभग 250 पेपर हो चुके हैं, सारे के सारे पेपर तो हम देखा है, कौन सा भी आज के कर दिया, एनालाइज तो करने का काम कर रहा। हरियाणा एसआई का पेपर देखा होगा, दिया किस किसने दिया था, सब इंस्पेक्टर का पेपर, मेल की बात मैं कर रहा हूँ, फीमेल का दिया, मेल का दिया होगा। एक चीज उठा के देखियो अब मेरे कहने से, वो पेपर अब वाला और एसआई से पहले उस महीने में लगातार पेपर हुए थे, अगर आपने ध्यान दिया तो वो पेपर आप उठा के देखना सारे के सारे, लगभग आपको ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा 12 से 13 क्वेश्चन नुक्के नु मिल जाऊंगे, बस स्टेटमेंट चेंज है थोड़ा सा घुमा के, 12-13 प्रश्न अपने नुक्के नु मिल गए प्रीवियस ईयर ने उठा के आप देखोगे एसआई से पहले, जिसने 12-13 का फायदा मिल गया इतने तो कौन सा रंधा होने होगा, 12-13 नंबर का गैप है, रवा किसी का, अगर जब 12-13 नंबर का कट ऑफ तक गैप रहो फिर तो दूध बेचने में फायदा और कि मैं धंधा कर लो, जिसने 2-2-3-3 साल तैयारी कर दन हो गए फिर भी 12-13 नंबर का गैप रहो कोई दमली बात। कहने का मतलब क्या है, एचएसएससी ने जितने प्रीवियस पेपर लिए हैं उन सबका मैं को लिखड़ जाओ, मैथ रीजनिंग साइंस हिंदी इंग्लिश सारी चीज नुक्के नु उसके अंदर से आप निकल जाओ, प्रीवियस पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट और प्लस आपकी सीटिंग, कंपनी भी आपकी डिपेंड करती है लाइब्रेरी में बैठ के कि दोनों कौन बैठ रहे हैं, समझो मेरी बात ना। अगर जो जिंदगी के 3-4 महीने है ना सब कुछ भूल के सिर्फ अपने माँ बाप की तरफ देख के आप लोग सिर्फ 3-4 महीने के अंदर तैयारी करोगे, ये जो फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया वगैरह इन्हें बंद कर दो, कुछ नहीं मिलता। खुद मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाई वो कहता कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसने पूरी दुनिया को एक अंगूठा नामक बीमारी देने का काम कर दिया। ताश खेला आपे देखा खेल दे ताश है, 2 घंटे खेल के देख लियो ताश 3 घंटे कि मैं लिकड़ेगा कि मैं कौन लिकड़दा, फेसबुक 3 घंटे चला के देख लियो कि मैं कौन लिकड़दा, हाँ एक आधा की गणिया अच्छी किस्मत है उसका तो बेसिक लिकड़ा हुआ नहीं, बाकी चांस नहीं है। इन चीजों को सिर्फ सोशल मीडिया का यूज आप इतना ही करो जितना आपकी जरूरत है, जितने आपने जरूरत है उस तक ना उस चीज़ आप ना छेड़ो, सिर्फ 4-5 महीने अपने कंडीशन देख के मैं गारंटी दे 2016 वाली भर्ती हुई थी, नौकरी लगे पचा नू ले लो समाज में अपना रुतबा नहीं आपका इतना बढ़ जाएगा, जना जना टोकने आ जाएगा, ड्यूटी कड़ा है घर आ जाएगा तो कच्चा होगा पूरे हो जाएंगे। आने वाली 30 से 40 साल तो आपकी वो सुधरेंगी, आने वाली 3 पीढ़ियां भी आपकी सुधरेगी, एक नौकरी कर माजन 3 पीढ़ी सुधर जाओ। और जो मेरी बात मजाक में लेंदे हाहा करके उड़ान दे उस चीज में देखो मेरे तो के नुकसान नुकसान तो आ रहा है बेटा। करोगे तैयारी, करोगे तैयारी, आज आपको एक कसम देके जाता हूं, आपको आपके माँ बाप की कसम, आपके प्यार की कसम, या जिस चीज को आप मानते हो उसकी कसम की जिंदगी में कम से कम भी आज से 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू करना, हाथ खड़ा करके एक बार वादा करिए कौन कौन मेरी इस बात को मानेगा 8 से 10 घंटा पढ़ने का काम करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भाई शोर ना करो सेवास, जो नहीं कर रहे उनसे भी रिक्वेस्ट है किसी भी प्रकार की तैयारी के अंदर पलक इंस्टीट्यूट जो है आपकी बिल्कुल हर सब्जेक्ट के अंदर हर चीज में आपकी मदद करेगा, जहां मेरी आवश्यकता पड़ेगी आपको हर मौके के ऊपर आपको खड़ा मिलूंगा, जहां मनदीप सर हैं, मंजीत सर हैं, या भी फौजी साहब हैं सर हैं, जो भी हमारे स्टाफ है पलक अकेडमी का, जहां भी आपको जिस भी मोड पे इनकी जरूरत पड़ेगी आपको अग्रिम पंक्ति के अंदर ये लोग खड़े मिलेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी यहाँ पहुंचे, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ इतना स्वागत करने के लिए। मैं पलक अकेडमी महेंद्रगढ़ का भी बिल्कुल नतमस्तक होकर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बस इसी वादे के साथ आपसे जा रहा हूं, अगली बार जब भी आप मेरे को मिलेंगे तो अधिकतर आप में से आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए। कोशिश करोगे, करोगे कोशिश, बिल्कुल कोशिश करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये वास्तविकता है। कोशिश करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।